हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन, सुपर सब लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 and final call ₹3. All the shares were applied and allotted. The director did not make the final call. All the money called shares on shares were received except the first call of 500 shares. These shares were forfeited and then reissued 7 paid up at the rate of 5 per shares. तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो एंट्री की जाएगी जनरल एंट्रीज के अंदर करने को बोला है। तो जनरल एंट्रीज, जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज। पहला कॉलम जो है वो डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो पहली जो आपकी जनरल एंट्री है, 15,000 शेयर्स आपने इशू किए, एप्लीकेशन के टाइम में आपको 2 रुपीज मिला, तो पहली एंट्री करी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 15,000 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से आपको 30,000 और 30,000 जो है और रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 एंड 30,000। उसके बाद दूसरी एंट्री की जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 30,000 एंड 30,000। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की जाएगी, अलॉटमेंट जब ड्यू की जाएगी तो आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये आपकी है 15,000 शेयर्स की, 15,000 शेयर की एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स, दैट मींस की 45,000 एंड 45,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन लिखी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अगली एंट्री करी आपने बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को आपने डेबिट किया क्योंकि एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव हुआ टू शेयर अलॉटमेंट, और ये भी आपको रिसीव हुआ 45,000 एंड 45,000, मतलब ऑल मनी वर रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल जो की ड्यू करी आपने वो भी 15,000 शेयर की एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, दैट मीन्स कि आपको रिसीव होगा 30,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 एंड 30,000, जिसका आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आपने ड्यू किया, तो जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल का आपको पैसा रिसीव हुआ, जब पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये भी आपको एक बंदा जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने 2 रुपीज के हिसाब से नहीं दिए, दैट मीन्स कि आपको टोटल रिसीव होना था 30,000, जिसमें 1,000 आपको रिसीव नहीं हुआ क्योंकि एक बंदा जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने 2 रुपीज के हिसाब से नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि आपको जो रिसीव हुआ वो है 29,000 एंड 29,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसकी नरेशन लिखी बींग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद आपने शेयर फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फाइनल कॉल जो है वो आपने ड्यू करी, जिसके लिए आपने मतलब इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल दी शेयर वर फॉरफिटेड, आपने इन शेयरों को जब्त किया और फर्स्ट कॉल के टाइम के बाद जब आपने पैसा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपने फुल्ली कॉल्ड अप नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल तक आपको जो टोटल पैसा रिसीव हुआ था कॉल्ड अप अमाउंट था वो 7 रुपए था, ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट और ₹2 फर्स्ट कॉल पे, तो 500 शेयर का 5 रुपीज के हिसाब से डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल को 3,500, क्योंकि शेयरों को आपने जब्त कर लिया और जिसमें फर्स्ट कॉल का आपको पैसा नहीं मिला, 500 शेयर का 2 रुपीज के हिसाब से
1000, और जो आपको पैसा मिला 500 शेयर का 5 रुपीज के हिसाब से, दैट मीन्स कि जो आपको टोटल पैसा रिसीव हुआ वो है आपको जी 2500। अब आपने इन शेयरों को जो है वो रीइशू कर दिया 5 रुपये पर शेयर, जिसके लिए आपने एंट्री करी। पहले तो आपने इसकी नरेशन लिखी कि जो आपने शेयरों को जब्त किया, बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। फिर आपने इन शेयरों को रीइशू किया, जब आपने रीइशू किया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट किया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को भी डेबिट किया, बैंक को डेबिट किया। आपने 500 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से आपने रीइशू कर दिया, दैट मीन्स कि 2500 आपको लॉस हुआ 500 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से, वो आपको हुआ 1000। और फिर आपने जो है आपका टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट है 500 शेयर का 7 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने 7 ही रुपये कॉल्ड अप किए, तो ये आपके पास था 3500। तो जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशू। फिर जो आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको 2500 माइनस 1000, प्रॉफिट आपको 2500 हुआ था, लॉस आपको 1000 हुआ। तो इसका मतलब है जो आपको टोटल लॉस हुआ वो जी आपको हुआ 3000, मतलब 2500 में से 1000 कटाया, तो आपको लॉस हुआ 1500। तो 1500 एंड 1500 जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, की जो आपका शेयर फॉरफिट का जो बैलेंस था उसको आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप इसका बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो जब आपका बैंक अकाउंट बनाया जाएगा, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में आप सबसे पहले टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का को जो आपको रिसीव हुआ था वो है 30000 का, तो 30000 आपको रिसीव हुआ, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप के बाद आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी टू शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव हुआ था 4500, दैट मीन्स की 45000। उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ 2900। फिर जब आपने इनको रीइशू किया, जब आपने रीशू किया तो आपको टोटल रिसीव हुआ 2500। आपने टोटल किया तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल जो है वो आया 1,06,500। यही 1,06,500 आपके पास बाय बैलेंस के एडाउन बचा, जिसके लिए आपने लिखा बाय बैलेंस के एडाउन, और फिर आपने लिखा 1,06,500। आमने सामने जो है वो टोटल बराबर आ गया, ये आपके पास आया 1,06,500। उसके बाद आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आप इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में लाइबिलिटी पहले आपकी बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले नोट और नोट ऑफ अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। नोट ऑफ अकाउंट में शेयर कैपिटल, तो आपकी इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल जो है वो 15,000 शेयर की 10 रुपीज के हिसाब से थी, जिसमें से आपने 7 रुपीज पेड अप किया, दैट मीन्स कि आपको जो टोटल प्राप्त हुआ 1,05,000। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप रिजर्व एंड सरप्लस में आपने डाला, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व आपके पास आए वो भी आपके पास कितने आए जी, 1,05,000 में अगर आप 1,500 जोड़ दें जो तो आपका कैपिटल रिजर्व का है वो आपने अलग से दिखाया, तो 1 लाख, ये भी आपके 1,05,000 और 1,05,000 यहाँ भी आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपके कैपिटल रिजर्व थे 1,05,000 और 1,500। फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश का बैलेंस कैश एट बैंक है, वो आपके पास आया नोट ऑफ अकाउंट नंबर 3 में 1,06,500 और 1,06,500। फिर आप इसकी एंट्री करेंगे जी। सबसे पहले तो आप इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में, आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होगा, फिर दूसरा नोट नंबर का होगा, और फिर तीसरा कॉलम जो आपका वो अमाउंट इन रुपीज, और फिर अमाउंट इन रुपीज। पहला आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल जो आई आपकी वही 1,06,500। इसमें आपने नंबर टू आपने नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 में था, नोट ऑफ अकाउंट नंबर में रिजर्व एंड सरप्लस जो आपका 1,500 था, और जब आपने इसको जोड़ा तो 1 लाख, सॉरी कैपिटल जो थी आपकी वो थी 1,05,000, 1,05,000 और 1,05,000 में 1,05,000 जोड़ा, तो आपके पास आया 1,06,500 जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया।
इसी प्रकार से असेट में सर करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो आपके पास आया 1,06,500, और इसी प्रकार से ये भी आपका आया जी 1,06,500। तो आपका जो असेट साइड का टोटल जो है वो लाइबिलिटी साइड के टोटल से मिल गया। इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 24 को करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।